हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA एकेडमी। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है। आपके कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक चीज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि लेक्चर्स थोड़े स्लो चल रहे हैं। जिनको लग रहा है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स में काफी अच्छी है, व्हाट दे कैन डू इज कि वो 1.5x में सुन सकते हैं एंड 2x में भी सुन सकते हैं। दो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा 2x में सुनने का, 1.5x में आपको समझ में आता रहेगा। याद रखिए कि क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, ठीक है? जो भी चीज आप करें क्वालिटी वाइज करें, और आपको लगता है कि कोई टॉपिक आप खुद पढ़ सकते हैं तो आप खुद पढ़ सकते हैं, बाकी जो है चीज आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में मैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी और भी चीजें बताता हूँ, सिंस हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैं आपको बता ही देता हूँ, और इसके अलावा जो और भी फैक्ट्स होते हैं वो भी चीजें मैं बताता रहता हूँ, तो इसलिए थोड़े वीडियो स्लो हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिगिन करते हैं डिस्कशन। अब अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची स्तूपा। तो अगर आप अमरावती देखें तो ये कहाँ पर है? ये आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर है, और आंध्र प्रदेश मतलब कहाँ, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल भी अमरावती होगी। सांची जो है वो मध्य प्रदेश में है, करेक्ट, भोपाल के पास। तो इन दोनों स्तूपास की हम थोड़ी सी स्टोरी पढ़ेंगे, और ये दोनों स्तूपास पे क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है? सीधे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो अगर आप 12th क्लास एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद यूपीएससी के 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई सांची स्तूपा के बारे में बताओ। अमरावती के बारे में आने की चांसेस बहुत कम है, आया तो थोड़ा सरप्राइज ही रहेगा। सांची स्तूपा पूछा जा सकता है क्योंकि ममल्लापुरम पूछा जा चुका है, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, वाई ममल्लापुरम इज फेमस। तो उसके भी आंसर इस एनसीईआरटी में काइंड ऑफ दे रखे हैं, वाई ममल्लापुरम जिसको महाबलीपुरम भी कहते हैं, ठीक है, वो फेमस है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अमरावती पे आ सकता है। तो देखते हैं इस पे क्या हुआ। शुरू में देखते हैं क्या स्तूपाज उनको समझ में भी आए थे जिन्होंने डिस्कवर करे थे। तो देखते हैं, देखिए शुरू में स्तूपाज की काफी इंपॉर्टेंस थी एंशियंट टाइम में, ठीक है, एंशियंट टाइम में। लेकिन जैसे जैसे समय भी बीतता गया, साइट जो होती है वो जो होती है वो अबंडन कर दी जाती है। अबंडन मतलब छोड़ ओड़ के चले गए लोग, इंपॉर्टेंस कम हो गई। मल्टीपल रीजन होते हैं, अर्थक्वेक आ गए, लोग छोड़ के चले गए, लोगों का विश्वास हट गया रिलीजन से, मतलब रिलीजन से किस, इस रिलीजन से विश्वास हट गया, दूसरे रिलीजन में चला गया। क्योंकि रिलीजन भी मोशन की तरह होता है, मोशन मतलब चेंज होता रहता है ना। रिलीजन भी आप देखो, कोई भी रिलीजन देख लो, सब चेंज हो रहे हैं, एवरी रिलीजन इंक्लूडिंग इस्लाम ऑल्सो। इस्लाम इज फेसिंग चैलेंजेस राइट नाउ, बट इट इज ऑल्सो चेंजिंग। तो सारे रिलीजन आप देखो तो चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे ही आपको देखेंगे, एक मोमेंट ऐसा आया मेडिवल इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में, कि स्तूपास को इंपॉर्टेंस ही नहीं रही। ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी हमने देखा था कि कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई थी। उनको लगता था, लोगों को लगता था ये तो पत्थर ईंट वगैरह है। तो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, वो ईंटों को यूज करके रेलवे प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे यूज करते थे, ट्रैक्स में यूज करते थे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, बोलते थे अरे वाह यार, फ्री में हमें ईंटें मिल रही हैं, ब्रिक्स मिल रहे हैं, ठीक है, ब्रिक्स फ्री में मिल रहे हैं, तो वो उठा के ये सब ब्रिक्स लेके अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज करते थे। तो ऐसे काफी सारी साइट्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यस, ठीक है। तो यही आप देखेंगे थोड़ा सा स्तूपास के साथ होगा, और भी चीज होगी। अमरावती स्तूपा का थोड़ा सा बुरा हाल हो जाएगा, सांची स्तूपा जो है वो अभी भी थोड़ा सा ठीक है, अमरावती स्तूपा तो थोड़ा साफ हो गया, ठीक है। इन 1796 आवर लोकल राजा हु वांटेड टू बिल्ड अ टेम्पल स्टम्बल्ड अपॉन द रूइंस ऑफ द स्तूपा एट अमरावती। तो एक 1796 में राजा बनाना चाहते थे टेम्पल, उन्होंने देखा स्तूपा के रूइंस वगैरह है, ही डिसाइडेड टू यूज द स्टोन एंड थॉट देयर माइट बी सम ट्रेजर बरिड इन व्हाट सीम टू बी अ हिल। उन्हें लगा कुछ होगा, गड्ढा वड्ढा खोदो काफी टाइम में, जैसे आज भी, इवन आजकल भी, पुराने टाइम में नहीं, आजकल भी आप गड्ढे वड्ढे को तो इंडिया में काफी कुछ मिल जाता है, काफी बार तो सोना वगैरह मिल जाता है। अब गवर्नमेंट इंडिया के एक्ट्स है, एक्ट्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना होता है ये सब सरकार में, लेकिन काफी लोग छुपा लेते हैं, समझ ही सकते हो आप। तो ये 1796 की बात है, तो राजा ने बोला भाई इसके अंदर कुछ पड़ा होगा, सोना वोना लूट लो, अच्छा है मौका। सम ईयर लेटर्स ब्रिटिश ऑफिशियल नेम की कॉलिन मैकेंजी विजिटेड दी साइट, ऑल्दो ही फाउंड सेवरल पीसेस ऑफ स्कल्पचर एंड मेड डिटेल्ड ड्रॉइंग्स ऑफ देम, दीज रिपोर्ट्स वर नेवर पब्लिश्ड। तो कॉलिन मैकेंजी ने अच्छी चीजें लिखी थी। स्कल्पचर मतलब ड्रॉइंग वगैरह आप कह सकते हैं, विजुअल आर्ट, इट इज अ काइंड ऑफ विजुअल आर्ट, जो जैसे कुछ वगैरह लिख दिया ना, अभी हम देखेंगे स्कल्पचर के बारे में अच्छा सा। तो उन्होंने अच्छा सा लिखा था, डिटेल एनालिसिस करी थी, लेकिन उनकी कुछ पब्लिश ही नहीं हुई, तो आगे बात बढ़ी नहीं। उसके बाद क्या हुआ भाई, और भी स्टोरीज हैं इसके बारे में। ये देखिए 1854 में वॉल्टर एलियट कमिश्नर थे जो गुंटूर के, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है, विजिटेड अमरावती एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर्स पैनल्स एंड टुक देम अवे टू मद्रास, ठीक है।
और दीज केम टू बी कॉल्ड एलियट मार्बल्स, क्योंकि वो एलियट लेके गए थे इसलिए एलियट मार्बल्स उन्हें कहा जाने लगा। तो काफी सारी चीजें वो उठा के ले गए। और ये देख सकते हैं आप, ईस्टर्न गेटवे यहाँ पे बना हुआ है। किसका? ये ईस्टर्न गेटवे सांची स्तूपा का। और आप इमेजिन कर रहे हो, ये सांची स्तूपा जो है एंशियंट टाइम में मोर देन 200,000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, काफी चीजें और भी आगे जाके बनी है लेकिन ज्यादातर चीजें काफी पुरानी है। तो समझ सकते हो आप कितनी पुरानी चीज है और अभी तक टिकी हुई है। एक तो रीजन ये है कि वहां पे ज्यादा रेन वगैरह नहीं होती, बारिश मानसून वगैरह नहीं होता, रेन नहीं होती। ठीक है, दूसरा रीजन ये है अर्थक्वेक वगैरह उस रीजन में ज्यादा नहीं आते। और तीसरा रीजन आप लकी भी कह सकते हो, लक भी बहुत बड़ी चीज है। लक तो हमारी जिंदगी में भी बड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो ये साइट्स वगैरह है इनकी जिंदगी में भी लक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लक नहीं होता तो ये सब तोड़ के ले जाता कोई, बच गई अच्छी बात है। तो देखिए अभी भी टिकी हुई है ये। यही चीज आप देखो बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में चीजें नहीं मिलेंगी। क्यों? बारिश बहुत होती है। बारिश बाय द 1850s सम ऑफ द स्लैब्स फ्रॉम द अमरावती हैड बिगेन टू बी टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस। ये देखो काम शुरू हो गया अमरावती का जो है, आप देखो ये काम शुरू हो गया। मतलब काम शुरू का कहने का मतलब है उसकी चीजें उठा के कहीं और ले गए। एक तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ले गए। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई थी? कमेंट सेक्शन में लिखो आप। टू द इंडियन ऑफिस इन मद्रास, यहाँ पे ले गए। और यहाँ देखो लंदन ले गए, बताओ। उठा के लंदन ले गए, प्लेन वगैरह नहीं होते थे उस टाइम में, शिप में ले जाते थे। ठीक है, तो काफी चीजें आपको लंदन म्यूजियम में मिलेगी। कभी मौका मिले जिंदगी में तो लंदन म्यूजियम जरूर जाना। लंदन म्यूजियम की एक खासियत यह है कि ब्रिटिशर्स ने सब सिविलाइजेशन तबाह कर दी और लंदन म्यूजियम में ले गए। साथ साथ आप इस पे भी नजर मारते रहना, थोड़ा ध्यान दीजिए कितना बढ़िया बना हुआ है सांची स्तूप है ना। इनफैक्ट एनी न्यू ऑफिशियल इन द एरिया कंटिन्यू टू रिमूव स्कल्पचर्स फ्रॉम द साइट ऑन द ग्राउंड्स दैट अर्लियर ऑफिशियल्स हैड डन द सेम। तो जो भी नया ऑफिसर आता था आंध्र प्रदेश रीजन में, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, क्या करता था भाई, ये तो मेरा ही, मेरे घर का है माल, तो थोड़ा सा ले जाता था वो, है ना। उनके घर में भी पड़े होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो काफी सारी चीजें ब्रिटिश ऑफिशियल्स ले गए अमरावती की। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द फ्यू मैन हु हैड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट H.H. कोल। ही रोट, इट सीम्स टू मी आ सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ इट्स ओरिजिनल आर्ट, ओरिजिनल वर्क ऑफ एंशियंट आर्ट। इन्होंने बताया यार ये आप क्या कर रहे हो, ये तो आप चोरी कर रहे हो, लूट रहे हो, है ना। सुसाइडल है, सुसाइडल मतलब आप उस जगह को अगर आप ले गए, जैसे अमरावती स्तूपा को आप ले गए कहीं और, तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसका मतलब क्या था, क्यों बनाया था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आगे चल के समझ में नहीं आएगा। और बेटर यही रहेगा कि जो चीज जहां है उसको वहीं पे रहने दो। अगर आपको कुछ ले जाना है तो एक काम करो, उसका ना प्लास्टर कास्ट बना दो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे उसका मतलब कॉपी बना के ले जाओ, ये नहीं कि उसको ही उठा के ले गए, राइट। तो ये हुआ, तो ये ब्रिटिशर्स का थोड़ा सा दिमाग चला, कुछ जो सही लोग थे कि भाई अगर आपको प्रिजर्व करना है, थोड़े मतलब होते हैं ना कुछ लोग फ्यूचरिस्टिक, आगे का सोचते हैं, तो उसमें से एक थे H.H. कोल, जिन्होंने बोला कि चीजों को वहीं रहने दो जो जहां पे वो पहले थी, अगर आप उसे कहीं और ले जाओगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन ज्यादा बात नहीं चली, कोल डिड नॉट सक्सीड इन कन्विंसिंग द अथॉरिटीज अबाउट द अमरावती, ऑल्दो हिज प्ले फॉर एन इन सीटू प्रिजर्वेशन वाज अडॉप्टेड इन द केस ऑफ सांची। उनकी बात नहीं चली अमरावती के केस में। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है उस साइट पे ही कंजर्वेशन करो, इन सीटू। ठीक है, एक और होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू मतलब इसको उठा के कहीं और ले जाओ और इसको वहां पे कंजर्व करो, क्योंकि वो उस साइट पे कंजर्व नहीं रह पाएगा, ये मानना होता है एक्स सीटू कंजर्वेटर्स का। तो ये जो ले गए ना उठा के, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन कंजर्वेटर कह सकते हो, अगर आप चोर ना कहो तो चोर भी कह सकते हो। ठीक है, लूट लूट के ले गए, वर्ड भी यूज कर सकते हो एग्जाम में, थोड़ा सा एग्रेसिव, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के बारे में बोल रहे हैं ना, तो लूट वगैरह वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। जैसे आप एक एनवायरमेंट वगैरह पढ़ते हो तो इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर जो आते हैं ना, जैसे आते हैं बायोलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क, उसके बाद क्या आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। एक्स मतलब इनका कंजर्वेशन वहीं होता है, एलिफेंट को वहीं रखो, टाइगर को वहीं रखो, जहां पे है। एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर क्या आता है, उनको कहीं और ले जाके कंजर्व करो, जैसे जू। ठीक है, जू हो गया, उसके जीन बैंक्स हो गए, जीन को उठा के ले गए कहीं और। एक्वेरियम हो गया हमारे घर का, हमारे घर का या किसी म्यूजियम वगैरह का, उठा के कहीं और ले जाते हैं ना, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है। आई होप अब आप रिलेट भी कर पाओगे कि जैसे अमरावती स्तूपा को वो उठा के लंदन म्यूजियम रह ले गए, तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन जैसे सांची स्तूपा को सांची की जगह पे ही रहने दिया, तो ये इन सीटू कंजर्वेशन। यहाँ पे वर्ड भी लिखा है, इन सीटू मीन्स ऑन द स्पॉट।
इसको भी पढ़ लेना, रीड सेक्शन वन अगेन, गिव योर रीजंस व्हाई सांची सर्वाइव्ड, इसका अच्छा पॉइंट है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सोचना है, कम से कम 5 पॉइंट लिख के दो आप कमेंट सेक्शन में। तो कोल जी की बात अडॉप्ट की गई कि सांची स्तूपा को उस जगह पे ही कंजर्व किया जाएगा जहां पर वो है, लेकिन अमरावती स्तूपा को उठा के ले गए और कुछ नहीं बचा। वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। परहैप्स अमरावती वॉज डिस्कवर्ड बिफोर स्कॉलर्स अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ फाइंड्स एंड रियलाइज हाउ क्रिटिकल इट वॉज टू प्रिजर्व थिंग्स वेयर दे हैड बीन फाउंड इंस्टेड ऑफ रिमूविंग देम फ्रॉम द साइट। ये कह रहे हैं कि अमरावती की किस्मत खराब थी, वो पहले डिस्कवर हो गया जब इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी साइट की, कि क्या है क्या ये, कुछ खंडर खड़ा हुआ है। जैसे आप किसी जगह पे विजिट करो, इंडिया की एक मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ एक चीज में, आप किसी भी जगह पे जाओ, फतेहपुर सीकरी चले जाओ, अजंता केव चले जाओ, एलोरा केव चले जाओ, आप एलिफेंटा केव चले जाओ, आप राजस्थान के बड़े बड़े वो किलों में चले जाओ, वहां पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ। अगर आप गाइड नहीं लोगे ना तो आपको लगेगा एक खंडर है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी, इसलिए गाइड वगैरह ले लिया करो। हाँ, गाइड को काफी बार रॉन्ग नॉलेज भी होती है, हमेशा सरकारी गाइड लिया करो अगर मतलब अफोर्ड कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, ठीक है, एक टाइप एक काइंड ऑफ डोनेशन है, काफी लोग पैसे बचाने के लिए देते नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा ये सजेशन रहेगा आप गाइड ले लिया करो कहीं भी घूमने जाओ, अदरवाइज तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर भी ये समझो ऐसे ही था कि अमरावती ऐसे ही खड़ा हुआ था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था किसी को, राइट? क्यों नहीं समझ में आ रहा था, अभी ये आपको और क्लियर हो जाएगा, अभी हम आगे चल के समझेंगे कि कैसे किसी चीज को समझा जाता है, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट ये है यहाँ समझने का कि अमरावती स्तूपा को समझा ही नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। सांची जो है थोड़ी बाद डिस्कवर हुआ, सांची जो है ना थोड़ा जंगलों से भी घिरा हुआ था, राइट, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ज्यादा देखा भी नहीं था। तो जब सांची स्तूपा डिस्कवर हुआ तो ये समझ लिया गया था कि साइट जो है, कोई भी चीज अगर डिस्कवर होती है तो उसे वहीं पे कंजर्व करो। व्हेन सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1818, थ्री ऑफ इट्स फोर गेटवेज वर स्टिल स्टैंडिंग, फोर्थ वाज लाइंग ऑन द स्पॉट वेयर इट हैड फॉलन एंड द माउंड वाज इन गुड कंडीशन। तो सांची स्तूप अच्छे कंडीशन में था, उसके तीन गेट होते थे ना जो हमने डिस्कवर करे थे, जो हमने डिस्कस करे थे लास्ट लेक्चर में, उसमें से सिर्फ एक गिरा था, बाकी तीन खड़े हुए थे, इंटैक्ट थे। आप बोलोगे कि भाई ये बताइए सर, एंशियंट टाइम से 1818 तक बीच में गायब कैसे हो गया? गायब ऐसे हो गया कि वही अबंडन जो मैंने सबसे पहले डिस्कवर करा है, डिस्कस करा है, जंगल आ गए, लोगों का विश्वास हट गया, लोग शिफ्ट हो गए, तो इंपॉर्टेंस कम हो जाती है साइट की। ऐसे कोणार्क टेम्पल है, कहाँ पर है कोणार्क टेम्पल? कोणार्क टेम्पल है उड़ीसा में, पुरी के पास, पुरी है ना, ये भी गायब हो गया था बीच में, इसकी भी आपका स्टोरी पर होगी, ये भी गायब हो गया था फिर मिला था, ऐसे काफी सारी साइट्स है इंडिया की गायब हो गई फिर मिली। इवन सो इट वाज सजेस्टेड दैट द गेटवे बी टेकन टू ईदर पेरिस और लंदन, फाइनली अ नंबर ऑफ फैक्टर्स हेल्प टू कीप सांची एज इट वाज सो इट स्टैंड्स वेयर एज महाचैत्या, चैत्या आई होप आप समझ गए होंगे, प्रेयर हॉल, ठीक है, प्रेयर हॉल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कराया एट अमरावती इज नाउ जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंट टोटली ड्यूनेटेड ऑफ इट्स ओल्ड एंड फॉर्मर ग्लोरी। फ्रेंड्स ये चीजें हैं, इसलिए अमरावती साफ, और आपको दिखेगा सांची स्तूपा अभी भी है, लेकिन आपको याद रखना है दोनों साइड्स इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप मैप में मार्क करें और फिर आगे बढ़ें। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कल्पचर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर।